नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल में आज सुबह से भारी बरसात हो रही है और अगले दो दिनों के दौरान दोस्तों 16 से अधिक जिलों में भारी बरसात की आशंका। मौसम में हलचल, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। तो कैसा रहेगा जबलपुर, कटनी, भोपाल, सीधी, बड़वानी, ग्वालियर, धार, उज्जैन, हरदा, शिवपुरी, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, विदिशा, श्योपुर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, होशंगाबाद, सिंगरौली, उमरिया, रतलाम, राजगढ़ समेत किसी भी जिले, गांव, शहर में रहते पूरे मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो पूरे मध्य प्रदेश में बरसात की गतिविधियां जारी है, जिसमें दोस्तों 16 से अधिक जिलों में भारी बरसात की आशंका है। मानसून ने अपनी दस्तक के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश को तर बत्तर करना शुरू कर दिया है। बीते सप्ताह भर से दोस्तों मध्य प्रदेश में कई जिलों में भारी बरसात का क्रम जारी है, तो वही मौसम विभाग ने आज और कल मध्य प्रदेश में भारी बरसात की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इसी दौरान कई जिलों में बिजली भी गिर सकती है और मध्य प्रदेश में मानसून ने 5 दिन पहले दस्तक दे दी थी और मानसून के दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश में भारी बरसात का दौर शुरू है। वही दोस्तों, यही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित हो गए। वही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आज और कल भारी बरसात होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 16 जिलों में दोस्तों बरसात होने की आशंका जताई गई है और मौसम विभाग की माने तो इसमें बताया जा रहा है कि भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा संभाग और राजगढ़ और मंदसौर, निमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी और यहाँ पर सतना, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी बरसात को संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भोपाल में बारिश के कारण यहाँ पर असर जो है 4 दिनों तक जारी किया है, यानी कि दोस्तों 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में जो है मौसम बदलता रहेगा और भोपाल समेत कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां जारी है, तो कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पंचमढ़ी का पारा 23.4 रहा, जबकि बैतूल में 25.5, सिवनी में 25.6, सिवनी में 25.8 और छिंदवाड़ा में 25.8 के साथ मंडला में 25.8, मलाजखंड में 26, उमरिया में 27.8, धार में 28.1, नर्मदापुरम में 28.3, उज्जैन में 28.5 और सागर में बताया जा रहा है कि 28.8 और दमोह में 29 और रीवा में जो है 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की शुरुआत जो है जबरदस्त देखने को मिली, दमदार बरसात के साथ मौसम में ठंडक है, उतार चढ़ाव जारी और बीते 24 घंटों के दौरान विभिन्न इलाकों पर बरसात की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिला है। आज रात तक दोस्तों राजगढ़, मंदसौर, निमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा, सतना, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और सागर में भारी बरसात होने की संभावना है। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बरसात यहाँ पर दमोह में रिकॉर्ड की गई है, 143 मिलीमीटर यानी कि 5 इंच से ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो खजुरा में तेज बरसात हुई, सिलसिला जारी है। खजुरा में 3.8 इंच, रीवा में 2.5 और यहाँ पर गुना में 2.5 इंच, सतना में 2.2, पंचमढ़ी में 2.1 इंच और यहाँ पर मंडला में 2 इंच, उमरिया में 1.8, नौगांव में 1.5 और शिवपुरी में 1.5 इंच, जबलपुर में 1.2 इंच, टीकमगढ़ में 0.9 और सागर में 0.8, छिंदवाड़ा में 0.6, उज्जैन में 0.5, रायसेन में 0.5, धार में 0.3, नरसिंहपुर में 0.3, सीधी में 0.2 इंच, नर्मदापुरम में 0.2 इंच, रतलाम में 0.1 इंच बरसात हुई। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में भोपाल, बैतूल, इंदौर और दतिया और सिवनी में भारी बरसात रिकॉर्ड की गई और मौसम विभाग की माने तो अनेक इलाकों पर दोस्तों खतरा भी देखने को मिला है। नर्मदा नदी का जलस्तर दोस्तों यहां पर सुबह 8 बजे 947 फीट पहुंच चुका है और 24 घंटों में भारी बरसात की गतिविधियां जारी रही। मौसम विभाग वेदर अपडेट के मुताबिक यहां पर एमपी मौसम विभाग की माने तो आज जो है पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, मंदसौर, निमच, गुना, अशोकनगर और यहां पर शिवपुरी, राजगढ़ और बेहूत भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। उमरिया, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट और यहां पर श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, साजापुर, आगर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, भोपाल, विदिशा में भारी बरसात की चेतावनी के साथ लो प्रेशर एरिया बना रहेगा। विभिन्न इलाकों पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, तो कई जगहों पर दोस्तों जबलपुर के इटारसी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों पूरी तरह से पानी हो गया है। कई जगहों पर दोस्तों जो है भारी बरसात के कारण काफी तबाही देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान दोस्तों हुई बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम पूरी तरह से ठंडा सोना देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव के साथ बरसात की गतिविधियां जारी है, तो कई जगहों पर बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली चमकने और मौसम में परिवर्तन होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक एक जिले की बात करें तो पूरे जबलपुर में 25-26, रात के समय दिन में 28-29, 4 दिन भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी, मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार जताए जा रहे हैं। यहां पर कटनी में पूरे 7 दिन अच्छी बरसात होगी, गुरुवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी, मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार जताए जा रहे हैं। भोपाल में पूरे 7 दिन अच्छी बरसात और बिजली चमकेगी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को भारी बरसात के साथ बिजली चमक सकती है, मौसम ठंडा
सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा और विभिन्न इलाकों पर मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। सीधी की बात करें तो पूरे 7 दिन अच्छी बरसात होगी। शुक्रवार शनिवार रविवार से भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मंगलवार बुधवार से और भी ज्यादा मौसम में परिवर्तन होगा और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। बड़वानी में शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। ग्वालियर में पूरे 7 दिन अच्छी बरसात होगी। शुक्रवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा और मौसम काफी ज्यादा जगहों पर ठंडा सोना रहने के आसार है। धार में दोस्तों पूरे 7 दिन अच्छी बरसात और बिजली चमकेगी। शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों में इजाफा और मौसम ठंडा सोना रहेगा। उज्जैन की बात करें तो 24-25 रात के समय, दिन में दोस्तों यहां पर 28 और 26 के करीब तापमान रहेगा। 3 दिन भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बदलाव आने के आसार है। हरदा की बात करें तो हरदा में 24-25 रात के समय, दिन में 28-29, 3 दिन भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक रहेगी और कई जगहों पर उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव आने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। इंदौर की बात करें तो 23-24 रात के समय, दिन में 26-27, 3 दिन तक यहां पर भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी और भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने के आसार है। शिवपुरी में 24-25-26 रात के समय, दिन में 28-29, 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बदलाव आते हुए नजर आएगा। मंदसौर में 24-25 रात के समय, दिन में 27-28, पूरे 7 दिन भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव आते हुए नजर आएगा। रायसेन में रात के समय 24-25, दिन में 28-29, 2 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। साजापुर में अगले 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। विदिशा में पूरे 7 दिन अच्छी बरसात और भारी बरसात होगी। शुक्रवार को भारी बरसात के साथ बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। श्योपुर की बात करें तो 26-27 रात के समय, दिन में 30-31, पूरे 4 से 5 दिन बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। शुक्रवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अशोकनगर में पूरे 7 दिन अच्छी बरसात, शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी, तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहने के आसार है। सतना की बात करें तो पूरे 7 दिन अच्छी बरसात होगी। शुक्रवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में परिवर्तन होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ बरसात होगी। वही दोस्तों गुना में शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात देखने को मिलेगी, बिजली चमक सकती है। शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात के साथ मौसम में हलचल, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहने के साथ मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि खंडवा में शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात होगी, बिजली चमक सकती है। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। शुक्रवार शनिवार को भी और मौसम ठंडा सोना रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। डिंडोरी में अगले 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, मौसम में परिवर्तन होगा। गुरुवार शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात के साथ बिजली और मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। होशंगाबाद में 25-26 रात के समय, दिन में 28-29, शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात होगी, बिजली चमकेगी। मौसम में परिवर्तन होगा और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा, तो कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। सिंगरौली में पूरे 7 दिन अच्छी बरसात होगी, आज भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। उमरिया में पूरे 7 दिन छिटपुट, रतलाम में दोस्तों 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। वही दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि राजगढ़ में 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी, देवास में 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, छतरपुर में पूरे 7 दिन भारी बरसात होगी, शुक्रवार को भारी बरसात के साथ बिजली चमकेगी, अलीराजपुर में 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमकेगी, यहां पर बुरहानपुर में शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात और बिजली चमकेगी। भिंड की बात करें तो 2 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, सागर में शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, नीमच में 3 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, दतिया में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात और शुक्रवार को भारी बरसात होगी। वही दोस्तों पन्ना में शुक्रवार शनिवार रविवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, सीहोर में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, यहां पर रीवा में पूरे 7 दिन अच्छी खासी और शुक्रवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, सिवनी में पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, मौसम में परिवर्तन होगा, शहडोल में अच्छी खासी बरसात होगी, दमोह में शुक्रवार से पूरे 7 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है और यहां पर टीकमगढ़ में शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात के साथ बिजली चमक सकती है, झाबुआ में शुक्रवार शनिवार को भारी बरसात और बिजली चमक सकती है और मौसम में अलर्ट है। और यहां पर बताया जा रहा है कि विभिन्न इलाकों पर मुरैना में पूरे 7 दिन छिटपुट बरसात, नरसिंहपुर में आज भारी बरसात फिर छिटपुट बरसात होगी, यहां पर बालाघाट की बात करें तो पूरे 7 दिन छिटपुट के साथ अच्छी बरसात होगी, मंडला छिंदवाड़ा बैतूल अनूपपुर आगर निवाड़ी कटनी समेत विभिन्न इलाकों पर बरसात की गतिविधियां जारी रहने के आसार है। तो यह था पूरे मध्य प्रदेश का मौसम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।